Hello viewers, once again I welcome you on my YouTube channel Power of Tarot by Kitanjali Sharma. हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में हमने मैजिशियन के ट्रेडिशनल मीनिंग के बारे में बात की थी, तो अब हम आज जो मैं आपके सामने वीडियो बनाने आई हूँ ये मैं बताने जा रही हूँ कि मैजिशियन कार्ड एज अ पर्सन रीडिंग के अंदर क्या कहता है. तो जैसे कि हम पहले भी हमने डिस्कस किया कि मैजिशियन कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो अगर हम इसे एज अ पर्सन रीड करेंगे तो हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं. देखिए, मैजिशियन इज अ वेरी स्किलफुल पर्सन, वेरी इमेजिनेटिव पर्सन, और बहुत ही एक्सलेंट रीजनिंग होती है इनकी, क्योंकि माइंड जो है वो इनका बहुत ज़्यादा वर्क करता है. किसी भी काम को करने के लिए ये पहले सोचेंगे, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं, बहुत इंस्पायरिंग भी होते हैं, खुद भी इंस्पिरेशनल होते हैं और इंस्पायरिंग भी होते हैं. और ऐसे लोगों का जो इमेजिनेशन पावर होता है, जैसे अभी मैंने बात की, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्रिएटिविटी बहुत होती है इनके अंदर. किसी भी काम को कितने अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी जो है उसको यूज़ कर ये बहुत ही अच्छा काम जो है वो लाइफ में करते हैं. और जो पर्सनैलिटीज जो होती है वो इनकी बहुत स्ट्रांग होती है. किसी के सामने अपनी बात कैसे रखनी है, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है. दूसरों का दिमाग को पढ़ना भी जानते हैं, क्योंकि जैसे हमने इन कार्ड इसके कार्ड के अगर हम लोग मीनिंग में भी देखते हैं, तो इसके ऊपर एक जो इनके हेड के ऊपर जो इन्फिनिटी का साइन है वो इस चीज़ को शो करता है कि माइंड जो है उनका बहुत फास्ट चलता है, एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, और स्किलफुल होते हैं, तो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से फोकस होकर करने वाले लोग होते हैं. किसी की बातों में जल्दी आते नहीं, क्योंकि अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि लॉजिकल होते हैं, हर बात पे लॉजिक्स जो है वो इनको चाहिए होते हैं, दूसरों को भी बहुत लॉजिकली हर बात को समझाते हैं. एजुकेशन के लिए इनके अंदर एक थर्स्ट होती है, ये नॉलेज गेन करना इनको अच्छा लगता है. और दे समटाइम दे डिस्प्ले टू पर्सनैलिटीज, बट डिपेंड्स ऑन दी यू नो एनवायरनमेंट, कि अगर इनको माहौल ऐसा लगता है कि वहाँ पर इनको कुछ जो ये एक्चुअल में है वो नहीं शो करना, तो ये डबल पर्सनैलिटीज भी कई बार ऐसे भी ये लोग रोल प्ले कर लेते हैं, तो दे कैन बी अ गुड एक्टर ऑल्सो. और अगर हम बात करें तो बहुत, जैसे हमने बात की कि इंस्पिरेशनल होते हैं, तो इट्स ऐसे लोग जो है वो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल जो है वो ज़रूर पेश करते हैं, क्योंकि वो जो भी वो काम करते हैं लोग उस काम को पसंद भी करते हैं. बट यस, दे उनका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होता है हर काम को करने के लिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मैजिशियन अगर हम एज अ पर्सन रीड करें तो क्या होंगे. बहुत अच्छे सेल्स पर्सन भी होते हैं, अपनी चीज़ों को अपने स्किल्स को यूज़ करना जानते हैं, और 100 रुपये का भी अगर काम करेंगे तो पूरा 100 रुपया मतलब अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कि यस कि मुझे 100 रुपीज़ कैसे यूज़ करने हैं, उसमें से कहीं भी नुकसान ना हो, तो ऐसे स्किल्स इनके पास बहुत अच्छे होते हैं. तो मैजिशियन कार्ड इज़ अ गुड कार्ड एज अ पर्सन, अच्छे लोग होते हैं. डिपेंडिंग अगर इनके आसपास रीडिंग के दौरान नेगेटिव कार्ड्स ना आए तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि अदरवाइज ऐसे लोग ट्रिकी भी हो जाते हैं दिखने में कुछ और पीठ के पीछे कुछ और ऐसे भी इनके ट्रेट्स होते हैं. बट दैट डिपेंड्स कि आसपास अगर नेगेटिव कार्ड्स हैं तो हम ऐसे ट्रेट्स भी इनके रीड कर सकते हैं. तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं. तो मैजिशियन कार्ड का हमारा एज अ पर्सन हमने अभी जो है अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मैजिशियन कार्ड को अगर हम रिलेशनशिप में रीड करें या लव रीडिंग में, कि आने वाले टाइम में अगर कोई उनकी लाइफ में लव एंटर कर रहा है कि नहीं और मैजिशियन कार्ड आए, तो हम कैसे रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. सो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.